हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गीता, एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों के ऑडिशन करते हो, कोई ऐसा कंटेस्टेंट मिला है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो और वहीं बैठ गया हो कि मैं नहीं जाता, या उसके माता पिता अड़ गए हो? बहुत बार होता है। हाँ, फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पैकअप के बाद ऐसे मतलब सुमसाम कोई गली देख लो और उसमें से निकल लो। क्योंकि या बाहर जाके देखो आपके टायर पंचर नहीं हुए क्या। मार खाने की अब उम्र नहीं रही मेरी। एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा अपसेट हो जाते हैं बच्चों से ज्यादा। हाँ, मैंने देखा था एक तो शो में अनु मलिक साहब से भिड़ गया था आदमी, वो है ना, कहता क्यों नहीं आता मुझे गाना, वो कहता रहे मैंने बोला नहीं आता। ओह, लेकिन सोनाली जी इतनी स्वीट दिखती है ना, इनको देख के लगता है कि ये जो भी जजमेंट देगी ना सामने वाला मान लेगा। हाँ। ये अभी बच्चों का एक शो भी जज करती थी। अपने घर में आपके बच्चे आपकी मान लेते हैं? नहीं। नहीं मानता बच्चों का बाप। बिल्कुल नहीं मानता। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुआरा कब तक बैठू, बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे दुखती रथ पे तो हाथ लगा। अरे बाप रे ब्रो, कैसा? हाँ, अरे अरे कैसी हैं आप? हेलो। ऐसा क्यों लग रहा है आप सब सलाखों के पीछे हैं? ओ सेहरा मुंह पे था तो हैंडसम लग रहे थे। ये अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू। ये जो लिपस्टिक का दाग को छुपाने के लिए आपने ये करवाया नहीं, लेकिन अच्छा है। हाँ। लिपस्टिक का दाग बड़े आराम से छुपाया। एक मिनट, ये दिखाइए क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्रिएटिंग मेमोरीज नहीं है, ये डिलीटिंग मेमोरीज है जो करवाया है। सब समझ में आता है हमको। ये सेहरे में मुंह कैसे फंसा के आए आज आप? कहाँ जा रहे हो आप सेहरा लगा के? ऑस्कर सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। सेहरा लगा के आदमी कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? आई एम गेटिंग मैरिड ब्रो। आपको पता नहीं है, घोड़ी चढ़ने वाले हैं हम। वाह, घोड़ी को पता है कि उसकी लास्ट बार आता है ये। शर्मा जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारी इज्जत हमारी भैंसिया के लिए बढ़ गई है। क्यों? उसकी 4 टांगे हैं लेकिन हमारी बातों में वो एक भी नहीं अड़ाती। बड़ा अच्छा लग रहा है सोनाली जी, हमेशा फैन रहे हैं आपके। ओह, थैंक यू। अरे होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। आप कमाल है, थैंक यू। आपसे कहना चाह रहे थे। हाँ। क्योंकि आप हीरोइन हैं। हाँ। आपका नाम सोनाली है। हाँ। ओके। अगर आप हिल स्टेशन होती तो आपका नाम क्या होता? हाँ। मनाली। अगर आप बंदूक होती आपका नाम होता दोनाली। अगर आप सिग्नर होती तो आपका नाम क्या होता? कवाली। नहीं, सोनाली होता। क्यों चेंज होगा? इट्स द सेम। करेक्ट। वैसे सोनाली जी, गीता जी को हमारा हलो कहिए ना जरा। तो डायरेक्ट बोल देना। अरे नहीं शर्मा जी, हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़के ऐसा ओपन बात नहीं। बच्चा, तूने सोच भी कैसे लिया ये तेरे से शादी करेंगी? मैंने हाँ भी कर दी मन में, सोच। तुम सोचो। अरे यार देखो शर्मा जी, क्या है, कियारा का शादी हो गया। हाँ। कैटरीना का शादी हो गया। हाँ। आलिया का शादी हो गया। हाँ। तो अब तो तूने उनसे भी शादी करने का सोचा था? नहीं नहीं, हमने सोचा था कि उनको एक मौका देंगे हमसे शादी करने का, बट दे मिस्ड द चांस। दे मिस्ड इट। तो यही मौका अब हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि आपको मनी मन लाइक भी करते हैं हम। आप कब तक ये कॉन्टेम्पररी करती रहेंगे या परमानेंट भी कुछ हो जाए? नहीं, तेरे को शादी करनी क्यों है? कारपेंटर की वजह से करनी है। मतलब? कार में बोला था सिंगल बेड बना, उसने डबल बना दिया। गीता, कमरे में आप जगह नहीं है, बेड पे जगह ही जगह है। नहीं सिर्फ ये कारण नहीं है, एक और कारण है। आई विल टेल यू। अभी क्या हमारा जीवन में ना बहुत ज्यादा आजादी हो गया है। आजादी आज बहुत ज्यादा। कल रात को हम अपने घर लौटे, रात को 2 बजे। कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतनी रात तक कहाँ थे। अरे कोई पूछे यार कहाँ थे। हम सच में चाहते हैं हम पे कोई शक करे, डाउट करे हम पे। कहाँ थे? हमारे कंधे से एक बाल उठाए और कहे ये किसका बाल है। अरे किसका बाल है? और हम कहें आपको ये सब करना है तो फिर वो बेड खाली ही रहेगा। देखिए हम भी चाहते हैं औरों की तरह हम भी अपने खुद के घर में घुटन महसूस करें, जय की तरह। नहीं शर्मा जी आपको तो पता ही है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए हम तो आपको सच में कह रहे हैं आप हमसे शादी कर लीजिए। देखिए दूल्हा यहाँ पे खड़ा है, बाराती भी हैं, साथ में यहाँ पर बैंड भी है, नाचने वाले भी मौजूद हैं, और रिश्तेदार भी हैं। हेलो हेलो जज हैं वो सब। हाँ तो रिश्तेदार भी आजकल जज ही करते हैं। डीप बात कर दिया हमने, बहुत ज्यादा डीप बात कर दिया। और देखिए जूता चुराने के लिए हमारे पास साली भी है। साली कहाँ है? भानुशाली। ये भी अच्छा था। बच्चा थैंक यू। तू सबको बुला रहा है, तू अर्चना जी को क्यों नहीं बुला रहा है? नहीं यार यार देखिए आलिया ने उनको नहीं बुलाया, कियारा ने नहीं बुलाया, कैटरीना ने नहीं बुलाया। अब हम अकेले बुलाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। बच्चा चल तू ना बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उनको नहीं करनी तेरे साथ शादी। मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मुझे करनी है। मुझे करनी ना आपसे। अरे करनी है यार, कह रही हैं। देखिए शादी से पहले एक कपल डांस हो जाए। नहीं करनी है। कब मैंने ये सोचा था, जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे संग। शुक्रिया मेहरबानी करम महबूब मेरे संग। अरे ये तो आप मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे संग। शुक्रिया मेहरबानी करम। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। मजा आ गया, मजा आ गया। हाय हाय आपको ये रिश्ता पक्का है। ये एक मिनट, आप हमेशा ऐसा करेंगे शुरुआत एक जगह करेंगे और खत्म दूसरी जगह? ये तो आपने शक करना पहले से ही शुरू कर दी। ये सब आपके नोट देख के मैं बड़ी खुश हुई हूँ बच्चा जी। प्लीज नोट इट, नोट इट डाउन। यस हम आपके हुए। हम ना बाकी की तैयारियां थोड़ी करके आते हैं। आपका एंटेना सलामत रहे। ये हमारी तरफ से शगुन है, ये रखिएगा। शुक्रिया। आप लोग को भी आना है, जरूर पहुँचिए। अरे आपको थोड़ी देना है, आपका तो हम बैंक बैलेंस लेंगे बच्चा जी। सब तैयार है आप? अरे ये कोई 475 रुपए का नोट कौन छापता है बे? चलिए मिलता है। सर अभी आप इतने हैंडसम है ना, इतने टॉल, मतलब क्या कमाल की पर्सनैलिटी। अगर आपको कोई अभी एज ए हीरो कास्ट करे, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे पर्दे पे? काफी है, प्रियंका चोपड़ा। आई लाइक हर पर्सनैलिटी। आलिया है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी एक्ट्रेस भी है। बट यार ये सब ख्याली पुलाव है, सच्चाई में क्या है, सोचने में क्या है। गीता माँ आपको सब गीता माँ बोलते हैं। चलो हाँ। अच्छी बात है, उसी में नहीं है डूब गई। हाँ। एक्टिंग वाली। आपका मन नहीं करता मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूं और मैं सामने अपने हीरो से बोलूं कि लोग माँ माँ बोलते रहते हैं कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि प्रेम मैं तुम्हारे बच्चे की कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। बात वहीं से शुरू होती कि मैं तुम्हारे बच्चे की और फिर बात मुड़ जाती है कोरियोग्राफर की तरफ, तो वही चलता आ रहा है। पर आप इतना कमाल का कर रही हैं, अगर आप ये छोड़ देंगे तो करेगा कौन? बात तो यही है, तो आप बहुत अच्छा कर रही है, यही करते रहिए। इंडियाज बेस्ट डांसर देखें, उसमें जो अब बच्चे आए हैं वो कोरियोग्राफर मतलब हमें पार करने वाला टैलेंट लेके आए। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम रहे ना रहे हम भी देखिए सोनी टीवी पर। क्या तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं नहीं, मेरे दो शोज लॉन्च हो रहे हैं ना। ओह अच्छा, अरे प्रमोशन बीच में क्या करे क्या? देखिए कपिल जी, आप तो सैटरडे संडे आएंगे, हम तो संडे टू संडे सोनी पर राज करने वाले हैं। और मैंने सुनने में आया कि सोनी ने अपना लोगो हटा के जय का मुंह लगाया वहाँ पे। 7 दिन सोनी पे नजर आएगा। आप तीनों जय के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है जय की एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई, तो माही ने भाई साहब को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने माही के फैंस के लिए लिखा कि इनसे रिक्वेस्ट करो मुझे अनब्लॉक कर दें। क्यों, क्या हुआ था? मतलब अभी बीच में से उठ के चली गई, खुशी गई है कि नाराज हो गई? अब ब्लॉक करने गई। अब मुझे भी वही डर लग रहा है कि आज मैंने क्या ऐसा उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से ये निकली है यहाँ से। क्या है कि एक बात मान लो कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा दिखा कर प्यार करे वो तुम्हारे बच्चों की माँ। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है। क्या है कि मैं एक मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं जो शादी करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर आपकी बीवी शादी के बाद आपके सीने में सर रखकर आपसे सवाल पूछे कि कल रात आप कहाँ थे, डेंजर, हार्ट अटैक, तो सच बताओ तो जवाब मायने नहीं रखता। दिल की धड़कन नियंत्रित रखना ज्यादा जरूरी है। ये पत्नी द्वारा पति पर नार्को टेस्ट किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.